पिछले क्लास वन में हमने सीखा था विदाउट बेल्ट वाला फोर्टस ब्लाउज का डायग्राम बोर्ड पे। तो कुछ बहने ने कमेंट किए थे कि हमें कपड़े पे कटिंग दिखाइए, तो इस बार इस वीडियो में हम आपको कपड़े पे कटिंग सिखाएंगे। तो हमने उसमें जो साइज लिया था 32 साइज, तो हमने पूरे फार्मूले के साथ सिखाया था आपको कि आप हर एक साइज का बना सकते हैं। इस बार हम साइज चेंज करेंगे, तो हम 42 साइज का इसमें हम कटिंग दिखाएंगे आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा ब्लाउज पीस है तो हमने अस्तर का कपड़ा लिया है, तो बंद घड़ी जो है हमारे तरफ है। तो अभी यहाँ सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है। लाइन हम क्यों खींचते हैं, कभी कभी हमारा जो अस्तर होता है वो क्रॉस में रहता है, इसलिए लाइन खींचना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको एक लाइन खींच लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई आपका जो भी रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारा जो तैयार ब्लाउज है 42 साइज में 14, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 15 लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए हमारा ये साइज हमने बड़ा लिया है 42 साइज, तो इसमें हमारा शोल्डर और आर्म होल चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जो शोल्डर है 5.5 इंच लेंगे, तो आपको भी 5.5 इंच लेना है अगर 42 साइज का बना रहे हैं। और ये साइज शोल्डर हमने क्यों कम लिए हैं, क्योंकि हमारा जो गला है डीप होगा, जिसे आप ब्रॉड गला बनाएंगे तो आपको शोल्डर कम रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम शोल्डर 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा दिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, तो इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने लाइन को सीधा कर लिए। अब हम नंबर यहाँ पे आता है हमारा आर्म होल का, तो यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, यहाँ से 6 रखेंगे, तो आपको 6 इंच पे निशान लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे 5.5, तो यहाँ पे बराबर है हमारा। और यहाँ से हम ये लाइन को मिला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमने यहाँ पे मिला दिए। अब यहाँ बारी आती है हमारी चेस्ट का, जो हमारा चेस्ट होता है इस हिसाब से, इसे जिसका जो भी चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग यूज करना है। तो देखिए यहाँ से हमारा आता है चेस्ट, तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है, आपका जो भी साइज रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। अभी हम 42 साइज का बना रहे हैं, यानी 42 साइज का, तो 42 का चौथा भाग आएगा 10.5 इंच, तो हम 10.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिए। इसके आगे आपको मार्जिन रखना है 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्जिन निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा फिटिंग आ रहा है, यहाँ पर हमारा मार्जिन है। अब यहाँ पर आएगा हमारा कमर, तो आपका जो भी कमर रहेगा उसका चौथा भाग लेना है। तो हमारा जो 42 का साइज है उस 34 का कमर है, तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5, तो हम 8.5 पे 1 इंच निशान लगाएंगे। लेकिन इसमें हमें टक्स लगाना है, तो टक्स में आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, तो 9.5 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 9.5। अब इसके आगे आपको 1.5 इंच की मार्जिन लेना है, तो देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्जिन ले रहे हैं। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हम फिटिंग का माप डालेंगे। ये देखिए फिटिंग का माप हो गया। अब हमारा आएगा ये यहाँ पे मार्जिन, तो ये मार्जिन की लाइन हो गई। यहाँ तक आप समझ गए बहने? तो आप देखिए यहाँ पे हमारा आएगा शेप, तो हम बैक पार्ट जब बनाते हैं वहां पे हमें 1.5 इंच का शेप देना होता है, तो यहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है, इस कॉर्नर से निशान लगा लेना है, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। तो हमने यहाँ पे गोलाई दे दिए। अब यहाँ पे हम गला पे निशान लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, 2.25 इंच का निशान लगाएं। अब देखिए हमारा यहाँ पे ये जो गला, आपको गला 9 इंच तैयार चाहिए तो आपको 9.5 इंच लेना है, 0.5 इंच आपको बढ़ा के लेना है। अभी यहाँ पे हमें 10 पे तैयार चाहिए तो हम 10.5 लेंगे, 0.5 इंच आपको बढ़ाना है। आपको जितना भी गला तैयार चाहिए उसमें आपको 0.5 इंच बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पे निशान लगा लिया अब हमने। तो देखिए यहाँ पे आपको गला कितना रखना है, जैसा हमें ब्रॉड चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। जैसे कि हमें 3 चाहिए तो हमारा कम ब्रॉड होगा, 3.5 चाहिए तो हमारा ज्यादा गला खुलेगा, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें ब्रॉड चाहिए थोड़ा, तो हमने यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाए हैं, तो 3.25 इंच हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, ऐसा क्रॉस में।
ये देखिए, अब इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से राउंड लेते हुए गोलाई इसमें मिला देना है। ये देखिए, यहाँ से हमारा सीधा जाएगा, यहाँ से गोलाई देते हुए हमारा इसमें मिला देना है। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमने गोलाई का निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा टक्स लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे चेस्ट का आठवां भाग यूज करते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है 42 का, तो उसका आठवां भाग आ रहा है 5.25। तो हम यहाँ पे 5.25 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमने 5.25 पे लगा दिए, और यहाँ से भी हम 5.25 ले लेंगे। तो 5.25 हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब इसमें आपको आधा आधा इंच का टक्स लगेगा। तो देखिए, यहां से आपको आधा इंच का टक्स लगाना है। तो देखिए, हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया। अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। देखिए, जो हमने कटिंग किए थे बैक पार्ट, तो यहाँ पे हमें इसको रख लेना है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से रखना है, और यहाँ पे आपको मार्जिन बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ पे नीचे हमें 1.5 इंच की मार्जिन बढ़ाना है, यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना है, और यहाँ पे भी आधा इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ, क्योंकि हमारा यहाँ पे फोर टक्स बन रहा है ब्लाउज, तो वहाँ पे टक्स लगेगा, इसके लिए हमें मार्जिन बढ़ाना होता है। तो देखिए, यहाँ से हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो कि ये हमारा बंद घड़ी है, तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे खुला रहेगा तो चलेगा। आपको इस प्रकार से कपड़े पे रख लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें 1.5 इंच की मार्जिन लेना है, तो ये 1.5 इंच मार्जिन है, और यहाँ पर हमें आधा इंच की मार्जिन लेना है, तो हम आधा इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, आधा इंच हमने निशान लगा लिए। पहले हम इसको सही कर देंगे। यहाँ पे 1.5 इंच लेना है, और यहाँ पे आधा इंच, इस प्रकार से हमने क्रॉस ले लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे जब टक्स लगेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लिए हैं, और आधा इंच आपको यहाँ पे बढ़ाना है। तो हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से। ये देखिए, आधा इंच हमने यहाँ पे ले लिए हैं, और इसको आपको यहाँ से पूरा लाइन लेना, इस प्रकार से सीधा, और इसको भी हम सीधा लेंगे। आर्मोल जैसा है, उसी प्रकार से आपको निशान लगाना है। और यहाँ हमारा गला है, तो यहाँ हम एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये पार्ट को हम उठा लेंगे। ये देखिए, ये हमने छाप लिए, अब इसको हम हटा लेंगे। अब इसमें हम आपको फ्रंट पार्ट समझाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको कटिंग करके ले लेते हैं, फिर आपको हम इसमें समझाएंगे। ये हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं। आपको बैक पार्ट निकाल के फ्रंट पार्ट आउटलाइन निकाल लेना है पूरा, इसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमने अब यहाँ पे आपको अच्छे से विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा शोल्डर है, तो हम यहाँ पे जो शोल्डर का जो गला लिए थे हम, तो यहाँ से 2.25 इंच लिए थे, तो यहाँ से आपको 2.25 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, 2.25 इंच पे हमारा निशान लगा हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको गला, जो हमारा गला होता है 6 इंच, तो यहाँ पर आपको 6 इंच का गला लेना है। तो 6 इंच हम क्यों लेते हैं, हम गला पहले छोटा कटिंग करते हैं 6 इंच का। अगर हमको मतलब बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, अगर एक बार हमारा गला कट गया तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें गला 6 इंच पे कटिंग करना है, और अगर हमें थोड़ा गला ब्रॉड चाहिए तो हम आगे फिर शेप दे सकते हैं गले को, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमको 6.5 चाहिए, 7 चाहिए, तो हम राउंड में शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 इंच पे गला पे निशान लगाना है। देखिए, हमने यहाँ पे 2.25 लिए, यहाँ से आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है, तो यहाँ पर हम 2.75 इंच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2.25 लिए हैं,
अब यहाँ पे हम 3.25 लेंगे, आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे यहाँ पे, तो 3.25 इंच पे आपको निशान लगाना है। ये देखिए, अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लिए, और इसको भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हम गोलाई का शेप देंगे, तो इस प्रकार से राउंड शेप देंगे। ये देखिए, हमने शेप दे दिए। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे निशान। तो देखिए, यहाँ पे हमें चेस्ट का 8वां भाग यूज करना है, तो 42 का चेस्ट का 8वां भाग होता है 1.25, लेकिन उसमें हम आधा इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा हो गया 4.25। तो हम 4.25 पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 4.25 इंच पे निशान लगाना है। हमने 4.25 में निशान लगा दिए, इसमें आधा इंच माइनस कर देना है, और हमारा जो चेस्ट का 8वां भाग जितना आता है उतना यहाँ पे लाइन को पूरा लेना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच लेंगे, यहाँ पे हमारा 1.25 इंच आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए हमने लाइन को सीधा कर लिए, और यहाँ पे हमें 1.25 इंच का टच लगेगा, मतलब 1 इंच में 0.25 इंच कम रहेगा। जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं, तो यहाँ पे हम जब टक्स लगाएंगे हमारा कवर हो जाएगा, हमारा 1.5 इंच मार्जिन बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें 0.25 इंच का निशान लगाना है। सबसे पहले निशान हमें यही वाला लगाना होता है, तो देखिए हमारा ये निशान लग गया 1.25 इंच का। अब इस निशान से हमारा चारों निशान लगेगा। देखिए, यहाँ से आपको क्रॉस में 1.5 इंच पे निशान लगाना है। हमने छोटे साइज में 1.5 इंच बताए थे, लेकिन इसमें हम थोड़ा 0.5 इंच बढ़ा देंगे, 2.25 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमारा ये साइज बड़ा है। इस प्रकार से क्रॉस में निशान लगाना है, और यहां से भी क्रॉस में, और यहां से भी। अभी हम निशान को सीधा कर लेंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं यहाँ पे बटन पट्टी तरफ, हमारा 0.5 इंच का निशान लगता है। यहाँ पे 0.5 इंच का। अभी हमारा आर्मोल, ये भी हमारा 0.5 इंच का निशान लगेगा। तो इसको जब हम पकड़ेंगे तो 0.5 इंच ही आना चाहिए हमारा, क्योंकि हमने आधा इंच बढ़ाए हैं। और इसको हम इस प्रकार से क्रॉस में ले लेंगे। ये देखिए, हमने इसको क्रॉस में ले लिए। तो देखिए, यहां से हमारा जो निशान लगाए थे इसको थोड़ा ही क्रॉस जाएगा हमारा यहाँ से, और यहाँ पे हमारा मार्जिन आएगा 1.5 इंच का। यहाँ पे 1.5 इंच निशान लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और इसको हम राउंड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करना है, आधा इंच, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिए थे, तो इसको हमने सीधा इसको उतार लिया था, तो इसको हमने कटिंग यहाँ पे शेप नहीं दिए थे। ये देखिए, ये आपका आधा इंच निकल जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है फ्रंट पार्ट में 1 इंच लेते हैं, बैक पार्ट में 1.5 इंच, तो यहाँ पे हमने आधा इंच कम कर दिए। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन गया। देखिए, अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो सखियों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखिए, इसके लिए हमने एक बार आपको बोर्ड पे समझा दिए, ताकि आप न्यूज़पेपर पे अच्छे से डायग्राम बना लीजिए। लेकिन अब कटिंग करने की बारी आई, तो इसके लिए हमने इसका दूसरा वीडियो बनाया कपड़े पे, ताकि कटिंग हम कैसे करें। कटिंग करने में भी हमें थोड़ा बहुत समझना होता है, इसके लिए हमने कपड़े पे कटिंग दिखाए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने चारों तरफ से यहाँ पे टक्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको बैक पार्ट भी दिखा के बताते हैं कि कैसे हमने मार्जिन बढ़ाए थे। एक बार तो हमने बताया, रिपीट करके हम क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट तक दिए, तो बैक पार्ट में हमने 1 इंच प्लस किया था, जितना भी हमारा तैयार लंबाई है, जिसे हमारा 14 तैयार था, तो हमने 15 कटिंग किया था। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है, 14 तैयार था उसमें 1.5 इंच प्लस किए, तो 15.5 इंच हो गया। तो देखिए, यहाँ से लंबाई आप देख सकते हैं, हमने आधा इंच मार्जिन बढ़ाए थे, तो यहाँ हमारा आधा इंच यहाँ पे बढ़ा हुआ है, और यहाँ हमारा आधा इंच जो है, जो हमारा आर्म होल में टक्स लगेगा।
और यहाँ पे हमारा 1.5 इंच हमने बढ़ाए थे। तो देखिए अब इसको हम हटा देंगे ताकि आप समझ गए, ये देखिए हटा दिए। अब देखिए अब फिर से गला आपको ध्यान देना है, 6 इंच का ही गला कटिंग करना है आपको, उसके बाद आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा के कटिंग कर सकते हैं। आपको बटन पट्टी कितना चाहिए इस हिसाब से आप गले पे शेप दे सकते हैं, क्योंकि गला कटिंग करने के बाद हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा, तो यहाँ पे टक्स लगेगा तो हमारा ब्लाउज जो है छोटा होता है, तो इस हिसाब से बटन पट्टी आपको कितना चाहिए इस हिसाब से आपको यहाँ पे गले पे शेप देना होगा। और देखिए अब यहाँ पे हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे हमें गला कटिंग करना है और यहाँ पे जो हम राउंड थोड़ा आधा इंच का यहाँ पे शेप दिए हैं इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कटिंग पहले से हुआ है, क्योंकि हमने बैक पार्ट रख के कटिंग किए थे। तो देखिए यहाँ से आपको तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स देखेंगे। तो सखियों अब हम देखेंगे स्लीव्स, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो देखिए आप अच्छे से सीखिए और हम एक एक वर्ड अच्छे से समझा के बता रहे हैं, ताकि आप ये एक ही बार वीडियो देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम स्लीव्स देखेंगे। तो देखिए स्लीव्स का कपड़ा हमें कैसे रखना है, आपको इस प्रकार से हमारा देखो कपड़ा बचा हुआ है, तो इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। एक फोल्ड हमारा कपड़े की बंद कड़ी इधर है, तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए फोल्ड कर दिए। अब यहाँ पे भी हमें चेस्ट का चौथा भाग यूज करना है, तो देखिए यहाँ से हम निशान लगाएंगे चेस्ट का चौथा भाग का, तो हमारा जो है 42 साइज का चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग आएगा 10.5, तो आपको यहाँ से 10.5 इंच पे निशान लगाना है, ये आपको लंबाई लेना है। तो देखिए इसमें हमारा 2 स्लीव्स निकलेगा, कपड़ा हमने इस प्रकार से फोल्ड किया है, आप देख रहे हैं। अब देखिए इसको हम लाइन खींच लेंगे सीधा, इस प्रकार से आपको लाइन सीधा खींच लेना है। अब देखिए यहाँ हमें जो स्लीव्स आपको जितना तैयार चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि अस्तर का है। तो देखिए यहाँ हमें 6 इंच का स्लीव्स तैयार चाहिए, तो हम 7 इंच लेंगे, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच आपको बढ़ाना है मार्जिन। ये देखिए अब ये लाइन को हम इस प्रकार से सीधा कर लेंगे, हमने लाइन को सीधा कर लिए। अब देखिए इसमें हमें शेप देना है, अगर हमारा 6 इंच का स्लीव्स है तो हमें यहाँ पे 3 इंच का शेप देना होगा, ये देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच का शेप दे दिए। अब देखिए जैसे हमने 1.5 इंच की मार्जिन लिए हैं, तो हमें 1.5 इंच ही ऊपर आना है, ये देखिए यहाँ से आपको 1.5 इंच इस प्रकार से ऊपर आना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये कपड़े की बंद गड़ी है, यहाँ से हमारा 1.5 इंच पे छोड़ देना है आपको, इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ दिए, यहाँ से 1.5 इंच लिए। अब इसको आपको राउंड में शेप देना है, देखिए इस प्रकार से गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे मिलाना है, ये देखिए इस प्रकार से आपको ऐसा शेप देना। ये हमारा हो गया बैक पार्ट, और जब हम फ्रंट पार्ट पे शेप देते हैं तो इस प्रकार से हमारा यहाँ सेंटर से 0.5 इंच होना चाहिए, तो इस प्रकार से राउंड में गुलाई देते हुए हमें जहां हमने 1.5 इंच लिए थे यहाँ पे ऐसा मिला देना है, ये देखिए। अब यहाँ पे आता है हमारा दंड घेर, जो हमारा हाथ का जो राउंड होता है उसका हाफ लेना है, आपका जो भी रहेगा उस हिसाब से आपको हाफ लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 14.5 पे तैयार है हमारा जो दंड घेर है हाथ का राउंड, ठीक है ये देखिए। तो यहाँ पे हमें 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे, 14.5 है गुलाई, उसका हाफ आएगा 7.25, तो हम 7.25 पे निशान लगा दिए। और इसके आगे आपको 1.5 इंच की मार्जिन लेना है, 1.5 इंच की हमने मार्जिन ले लिए, जहां पे हमने 1.5 इंच लिए थे और वहां पे हमारा फिटिंग का माप लगेगा, तो इस प्रकार से आपको निशान लगाना है, ये देखिए यहाँ पे हमारा फिटिंग है, तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच जहां हमने शेप दिए थे यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिला लेना है, और जो हमने 1.5 इंच की मार्जिन लिए थे आपको इसमें मिला देना है, ये देखिए। तो कितने आसानी से हमने स्लीव्स तैयार कर दिए। आप चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स कटिंग कर लिया है, यहाँ पे एक हम नोच डाल देंगे, यहाँ पे हमारे को सेंटर मिल जाएगा। अब इसको हम खोल लेंगे, ये देखिए हमारा 2 हो गया। तो इसको स्लीव्स को अभी हम शेप नहीं देंगे, जब हम स्टिच करेंगे तो बैक पार्ट हम तैयार करने के बाद फिर दोनों पार्ट को हम लेके
फ्रंट को हम शेप देंगे। ये देखिए तो सखियो, जो हमने कटिंग किए थे अस्तर पे तो हमने ब्लाउज पीस पे रख लिए हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी रख के कटिंग कर लेना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन बहनों को समझ में नहीं आया होगा वो बहने हमें कमेंट करें, तो उस कमेंट का जवाब हम हर संडे को दिया करेंगे। तो सखियों, मैं जो कोर्स चालू की हूँ बेसिक से लेके एडवांस तक हम सिखाने वाले हैं आप लोगों को। तो हमने ठान लिया है कि आपको हम सिखाएंगे और आप भी ठान लीजिए कि हम सीख के रहेंगे। तो सखियों, आज का क्लास जो है हम यहीं खत्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।